नमस्कार, आप देख रहे हैं अनदेशक न्यूज़। साथियों, यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, आप भी देखकर खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा, आप खुद देखिए। होगा वही जो वक्त जाएगा। साथियों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक रैली में अखिलेश यादव जी ने अनुदेशकों के नियुक्तिकरण की बात कही है, शिक्षा मित्रों के नियुक्तिकरण की बात कही है और समस्त संविदा कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य की बात की है। उन्होंने वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हम आप सभी का ख्याल रखेंगे और आपकी हर मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कुछ दिन पहले जब छठे चरण का विधानसभा चुनाव प्रचार चल रहा था, एक रैली में रामगोपाल यादव जी ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के चाचा जी हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी कि पहली कैबिनेट मीटिंग होते ही हम अनदेशक और शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करेंगे। यहाँ पर सवाल चल रहा है अनदेशक शिक्षा मित्र तमाम संविदा कर्मियों के दिमाग में, क्या वाकई पहली मीटिंग में हम लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। भीड़ को देखकर लग रहा है कि हाँ, सरकार बन रही है, 10 मार्च के बाद सच्चाई सामने आएगी। तब तक के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्या होगा समय बताएगा। साथियों, आपको एक बात बताना चाहेंगे, जब से विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू हुए हैं, प्रत्येक चरण के प्रचार में अखिलेश यादव जी ने अपने मंचों से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की नियमितीकरण की बात को कहा है। उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार बनते ही हम सबसे पहले, कह सकते हैं कि पहली कैबिनेट में ये घोषणा करेंगे कि नियमित किया जाए शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और संविदा कर्मियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए जो भी संभव हो सकता है वो कार्य हमारी सरकार द्वारा किया जाए। अब देखते हैं 10 मार्च के बाद कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है और वो सपने, जो सपने दिखाए गए हैं मंच के द्वारा, उनको पूरा किया जाएगा, कब किया जाएगा ये तो वक्त। साथियों, यहाँ पर गाजीपुर से एक बड़ा कवरेज आप देख रहे हो, ऐतिहासिक भीड़, शायद किसी के रेल में इतनी भीड़ होगी, आप देख सकते हो। रैली देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अब बनकर ही रहेगी। चलिए मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अनुदेशक शिक्षा मित्र समस्त संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।